तुसी देख रहे हो जोश इंडिया वेब टीवी। सत श्री अकाल, जोश इंडिया वेब टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। पंजाबी दी खबरां दे बुलेटिन दे नाल हर रोज की तरह मैं हां कीता सक्सेना। आओ सब तो पहला नजर कर दिया आज दी खास खबरां ते। कैप्टन वालों नवी पार्टी बनाउण दे ऐलान ते कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी दीआं मुश्किलां वधीआं। कैप्टन की नवी पार्टी बनी सिद्धू लई सिरदर्द। सिंगू बॉर्डर ते मजदूर की कुटमार करन दा मामला आया सामने, निहंग नूं कीता गिरफ्तार। हरीश चौधरी बने पंजाब अते चंडीगढ़ कांग्रेस दे नवे इंचार्ज। ते हुण पेश है खबरां दा विस्थार। मामला फिर तो सिंगू बॉर्डर दा है जिथे एक मजदूर वल्लों निहंग नूं मुर्गी मुफ्त देण तों इनकार कीता गया, निहंग ने उसनू कुटना शुरू कर दिता जिसने हरियाणा पुलिस वालों निहंग नू गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा पुलिस ने एक निहंग नू सोनीपत सिंगू बॉर्डर ते मुर्गी मुफ्त देन तो इनकार करन वाले मजदूर दी कुटमार करन दे दोष विच गिरफ्तार किया है। दस दईए जख्मी मजदूर बिहार दा मनोज पासवान है ते ओह कुंडली विखे पोल्ट्री फार्म विच काम करता है। उसने दोष लगाया कि वीरवार नूं ओह नेड़ले पिंडां दे विच सप्लाई करन लई अपनी रिक्शा ते मुर्गियां लै के गया। इस दौरान निहंग ने उस तों मुर्गी दी मांग कीती। उसने दोष लगाया कि जदों उसने ना कर दित्ती तां उस नूं सोटे नाल कुटिया गया, पर सिंगू सरहद दे लोकां दे सहयोग नाल उस नूं काबू कर लिया गया। दस्सिया जा रहा है कि ओह करनाल दे पिंड गाग सीना दा वासी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों इस हफ्ते दे शुरू विच अपनी पार्टी बनाउण दे ऐलान ने कांग्रेस पार्टी दे रस्ते दे विच कंडे बिजने शुरू कर दिते हन। आओ जानते हां की है ये नवा विवाद। कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों इस हफ्ते दे शुरू विच अपनी पार्टी बनाउण दे ऐलान ने सिद्धू अते उसदी पार्टी लई अड़िक के खड़े कर दिते हन। पार्टी दे भरोसेयोग सूत्रां दे अनुसार कई कांग्रेसी विधायकां दे सत्ता विरोधी होण दे संकेत हन। खबर यह भी है कि सिद्धू की अगुवाई वाली पार्टी के उच्च अधिकारी मौजूदा विधायकों का वड्डा हिस्सा छड्डन का प्रस्ताव दे सकते हैं, जिस नाल सिद्धू और उसकी पार्टी लई मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि कैप्टन ने अपनी पार्टी के सीनियर टकसाली आगुआ नूं तरजीह देने ते संकेत दिते हैं, जिन्हां ने आपो अपनियां पार्टियां नूं अलविदा कह दिता है। इस दे नाल ही कांग्रेस ते अकालियां नूं छड्ड के कैप्टन ने भाजपा समेत चोणां तों पहलां ते चोणां तों बाद दे गठजोड़ दा विकल्प होर सारियां पार्टियां नाल खुल्ला रख्या है, पर मौजूदा स्थिति अते सूबाई कांग्रेस दे अंदरूनी उथल पुथल नूं वेखदे होए इह स्पष्ट है कि जदों 2022 दीआं चोणां नेड़े आउणगीआं कांग्रेस कई हिस्सिआं विच टुट सकदी है अते इस तों टुट्टण वाले बहुते नेता कैप्टन दी पार्टी विच शामिल हो जाणगे। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। जी हाँ, साबका मुख्यमंत्री दे नवी पार्टी दे ऐलान मगरों जिथे भाजपा आगू कैप्टन नूं राष्ट्रवादी नेता दा दर्जा दे रहे हन, उत्थे ही आपने हुण कैप्टन दी देश भगती ते सवाल खड़े कर दिते हन। कांग्रेस पार्टी दे नेतावां दी आलोचना करदिआं आम आदमी पार्टी दे नेता ते विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा, कांग्रेसी नेतावां ते मंत्रियां नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह दी रिहायश ते कथित ISI एजेंट अरूसा आलम दे ठहरन दा उस समें पता नहीं सी कि ਉਹ ISI ਦੀ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਉਧਰ ਗਰਮ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਕ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਉਹ DGP ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
राहुल गांधी अते पंजाब कांग्रेस दे नेतावां दरमियान मुख भूमिका निभाउण तों बाद राजस्थान दे मंत्री हरीश चौधरी नूं हरीश रावत दी थां ते पंजाब मामलिआं दा नवां इंचार्ज नियुक्त कर दिता गया है। हुण हरीश चौधरी पंजाब कांग्रेस दे नवें इंचार्ज बन गए हन। ते दूजे पासे उत्तराखंड चोणां करके रावत कई बार हाईकमान नूं इह मंग वी कर चुके हन कि उन्हां नूं जिम्मेवारी तों मुक्त किया जाए, जिस ते हाईकमान ने रावत नूं पंजाब दीआं जिम्मेवारियां तों मुक्त किया है। दस दईए कि पंजाब कांग्रेस विच इह फेरबदल 2022 दीआं चोणां तों पहलां होया है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਗੀਤਾ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।